उद्योगपतियों से मुख्यमंत्री भगवंत मान की मुलाकात हुई है। उद्योग नीति पर सीएम मान ने इस दौरान बैठक की और उद्योग नीति को लेकर चर्चा की गई है। आपको बता दें कि उद्योगपतियों ने मुख्यमंत्री को कई सुझाव भी दिए हैं। ये तस्वीरें भी आप देख रहे हैं, उद्योगपतियों के साथ मुख्यमंत्री भगवंत मान की ये बैठक। सरकार के कामकाज पर उद्योगपतियों ने भरोसा जताया है, तो कहीं ना कहीं प्रदेश में निवेश को लेकर एक बार फिर से मुख्यमंत्री भगवंत मान सक्रिय दिखाई दे रहे हैं और उद्योग नीति को लेकर सीएम मान ने बैठक की है उद्योगपतियों के साथ। इसमें उद्योगपतियों ने कई अलग अलग प्रकार के सुझाव भी दिए, साथ ही साथ मुख्यमंत्री भगवंत मान के सरकार के कार्यकाज जो कामकाज उनका है उससे उद्योगपति खुश नजर आए थे और उन्होंने सरकार के कामकाज पर भरोसा भी जताया है। मुख्यमंत्री भगवंत मान जिनकी आज उद्योगपतियों के साथ मुलाकात हुई, एक बैठक हुई, इस बैठक में उद्योग नीति को लेकर अहम चर्चा की गई है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री भगवंत मान पहले ही ये साफ कर चुके हैं कि प्रदेश में अब उद्योग को बढ़ावा दिया जाएगा और उद्योग को किस तरीके से उद्योगपतियों को निवेश के लिए प्रदेश में आकर्षित किया जाए इसको लेकर भी विचार होगा और इसी को लेकर उद्योगपतियों से उद्योग नीति को लेकर बातचीत हुई है और इस बातचीत में उद्योग नीति में उसको लेकर कई सुझाव भी उद्योगपतियों ने मुख्यमंत्री भगवंत मान को दिए हैं। ये तस्वीरें आप अपने टीवी स्क्रीन पर सीधे देख सकते हैं किस तरीके से मुख्यमंत्री भगवंत मान ने उद्योगपतियों के साथ बैठक की। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए चंडीगढ़ से संवाददाता अमनप्रीत कौर हमारे साथ मौजूद हैं। अमन, फिलहाल उद्योगपतियों से मुलाकात की है भगवंत मान ने, क्या कुछ है अहम जानकारी? देखिए, भगवंत मान की तरफ से लगातार ये कोशिश की जा रही मानसिकता की तरफ से पंजाब में ज्यादा से ज्यादा इंडस्ट्री और रोजगार आए, जिसके चलते हुए जहां वो भी गुजरात चुनाव में थोड़ा बिजी थे लेकिन आज उन्होंने मुख्यमंत्री ने अपने निवास में ही बैठ के उन्होंने सारे रमतकारों के साथ एक बैठक की और उन्होंने काफी सारे सुझाव लिए और सुझाव दिए भी। और उन्होंने भी सरकार की जो सुझाव है, जो उनकी तरफ से सुझाव सरकार को दिए गए हैं, उस पर उन्होंने भी सहमति जताई है और सरकार ने भी सहमति जताई है। अब आगे इसको बढ़ावा दिया जाएगा, ट्रेड को बढ़ावा दिया जाएगा। इसके मकसद सिर्फ एक है, पंजाब में इंडस्ट्री को लेके आना। उसके लिए पहले ये चीज बहुत जरूरी होती है कि सुझाव दिए जाएं, चीजों को किस तरीके से लाया जाएगा, अगर लाया जाएगा तो इम्प्लीमेंट कैसे किया जाएगा, कितना उसका इम्पैक्ट पड़ेगा। अगर कोई चीज कंपनी आती है या कोई इंडस्ट्री आती है तो उसका कितना परसेंट रहेगा, चीजों में कितनी की जाएगा, तो हर चीजों की मेजरमेंट की गई है और हर चीज के बारे में जांच परख करके ही जो आज पूरी मीटिंग हुई है। हालांकि ऑफिशियली सिर्फ अभी इतना ही सामने निकल के आया है कि मीटिंग हुई है और सरकार ने उस पर सहमति जताई है और समझदारों ने भी सहमति जताई। ऑफिशियली कोई अभी जो कि कहते हैं एक बयान जो जारी किया जाता वो नहीं, लेकिन हाँ ये जरूर सामने चीज निकल के आई है कि उन्होंने सहमति जरूर जाहिर की है। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने यह पहले ही साफ कर दिया था कि प्रदेश में उद्योग को बढ़ावा दिया जाएगा, इंडस्ट्रीज को लेकर आया जाएगा, अलग अलग उद्योगपतियों से इसको लेकर चर्चा की जाएगी। आज ये चर्चा जो हुई है, हालांकि इसके रिजल्ट्स पॉजिटिव होंगे, लेकिन किस तरीके के नतीजे आने वाले समय में इसके हमें मिल सकते हैं? देखिए, नतीजों के बारे में तो अभी इतनी जल्दी क्या हो, कोई सही बात नहीं थी। जिस तरफ अभी सिर्फ इंडस्ट्रीज वालों के साथ बातचीत हुई है और अभी क्योंकि किसी भी इंडस्ट्री का आना इतना इजी नहीं होता है, जब भी कोई इस तरीके की मीटिंग्स होती है, कभी तो मीटिंग्स का दौर शुरू हुआ, इस तरीके की कई मीटिंग्स होती हैं, कई तरीकों की चीज़ों के ऊपर चर्चा की जाती है, कई मंजूरी होती है, जगह होती है, कहाँ लगाई जाएगी इंडस्ट्री, अगर कोई इंडस्ट्री आती है तो उसको कहाँ पे बनाया जाएगा, तो तमाम ये चीज़ें होती हैं। ये कहना भी बड़ा मुश्किल हो जाएगा कि ये कैसे रिजल्ट है। रिजल्ट तो जाहिर, अगर कोई इंडस्ट्री आएगी तो लोगों के लिए रोजगार बढ़ेगा, रोजगार बढ़ेगा तो पंजाब का विकास होगा। तो ऐसे में अब इंडस्ट्री का अभी तो सिर्फ देखिए मीटिंग्स का दौर हुआ है और सिर्फ सहमति जताई गई है, लेकिन आगे अभी इसके बारे में कुछ फर्दर कोई ऐसी डिटेल नहीं आई है। सिर्फ अभी इतनी ही जानकारी है कि मीटिंग्स हुई है जिसपे दोनों तरफों से सुझाव दिए गए और सुझावों के ऊपर सहमति हुई। ठीक है अमन, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।